Students, welcome all of you in concept building classes. Now it is also important properties of inverse. This is the heart of your matrices. If you know property of inverse, property of determinant of matrix and properties of matrices of like adjoint, you can solve many questions in JEE Main and IIT Advanced. सो योर फोकस इज वेरी तो सबसे फर्स्ट मैं प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी इन्वर्स का भी यहाँ पे डिस्कस करूँगा आपके सामने तो आप सेफली पहले सिर्फ इस क्वेश्चन को इस जितने भी प्रॉपर्टी है मैट्रिसेस का आप उसे एकदम पूरा अपने मेमोरी में रखें जिससे कि आप किसी भी क्वेश्चन में करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और उसके साथ साथ आपको कैसे ये प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं कैसे मैं इसको डिराइव कर सकता हूँ कैसे मैं किसी क्वेश्चन को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में लिख सकता हूँ किसी भी सिंपल क्वेश्चन को कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ क्योंकि मैंने इसके पहले वीडियो में आपको क्वेश्चन को बताया कि कैसे कन्वर्ट करके क्वेश्चन से हम किसी क्वेश्चन का आंसर को फाइंड कर सकते तो फ्रेंड्स अगर आप डेरिवेशन भी जान रहे हैं तभी आप अप्लाई कर पाएंगे वहाँ पर अगर आप नहीं जान रहे हैं तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे और आप फिर क्वेश्चन भी आंसर भी फाइंड नहीं कर पाएंगे तो आपको सबसे पहले ये सब और सिर्फ याद करने से नहीं आपको वो डेरिवेशन आना भी चाहिए जिससे कि आप उसको गो थ्रू हो सके उसके थ्रू ठीक है फ्रेंड्स तो फर्स्ट मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स जो होता है वो एक यूनिक उसका इन्वर्स होता है किसी भी मैट्रिक्स का ठीक है जो भी इन्वर्टिबल वही होगा मैट्रिसेस या मैट्रिक्स जिसका कि नॉन सिंगुलर होगा ओके नॉन सिंगुलर में भी सिंगुलर भी बट एडजॉइंट उसी का होता है जो नॉन सिंगुलर आप तो आपको पता है कि इन्वर्स उसी का हो सकता है जो नॉन सिंगुलर होगा तो फ्रेंड्स ये सब आपको पता होना चाहिए फर्स्ट ठीक है तो अब मैं प्रॉपर्टी पे चलता हूँ कि एवरी फर्स्ट पॉइंट था कि एवरी इन्वर्स जो होता है वो क्या होता है मैट्रिक्स जो होता है एक यूनिक इन्वर्स मैट्रिक्स होता है ठीक है जो भी इन्वर्टिबल होगा एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पोजेज मीन्स पोजेज का मतलब रखता है और क्या पोजेज एन यूनिक ही लगाए फ्रेंड्स ए यूनिक यूनिक इन्वर्स ओके फ्रेंड्स मीन्स कोई भी इन्वर्टिबल अगर मैट्रिक्स होगा जो इन्वर्स हो सकता है तो इन्वर्स कौन सा होता है जो नॉन सिंगुलर होगा और उसी मैट्रिक्स का इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर यूनिक मैट्रिक्स को पोजेज करे तो ये सब कुछ कंडीशन है जो मैं पहले इस वीडियो से पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ अगर आप नहीं देखें तो फर्स्ट यू कैन वॉच दैट वीडियो एंड देन कम हियर ओके तो एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पोजेज ए यूनिक इन्वर्स ओके फ्रेंड्स सेकेंड प्रॉपर्टी है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स इज इनवर्सिबल तभी इन्वर्सिबल होगा इफ इट इज नॉन सिंगुलर तो ये तो मैं पहले भी डिस्कस चुका हूँ डिस्कस किया था हल्का सा एक स्क्वायर मैट्रिक्स ओके फ्रेंड्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन इन्वर्टिबल इन्वर्टिबल इफ इट इज क्या होना चाहिए फ्रेंड्स नॉन सिंगुलर वाई वी से नॉन सिंगुलर बिकॉज डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो इफ सिंगुलर दिस डिटर्मिनेंट इज जीरो ओके फ्रेंड्स तो फर्स्ट थर्ड प्रॉपर्टीज है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बहुत यूज होता है ये कोई मैट्रिक्स हो इसी इन्वर्स मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए उसी के इन्वर्स से तो वो यूनिट मैट्रिक्स पोजेज करता है या उसी मैट्रिक्स का इन्वर्स हो पहले और अगेन फिर उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो अगेन वो यूनिक मैट्रिक्स प्रोवाइड करना चाहिए तभी ये प्रॉपर्टी थर्ड ये बताता है ठीक है फोर्थ हमारे फ्रेंड्स फोर्थ कहता है कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसका एक बार आपने इन्वर्स निकाल लिया अगेन वी हैव टू फाइंड अगेन इन्वर्स ऑफ दिस इन्वर्स मैट्रिक्स देन दिस सिंपल गिव्स मैट्रिक्स अगेन अगर आपने एक कोई मैट्रिक्स था उसका एक बार इन्वर्स निकाले अगेन आप उसका फिर से इन्वर्स निकाल दिए उसी इन्वर्स निकाले हुए का
तो आपको सिंपली फिर वही इनवर्स वही मैट्रिक्स प्रोवाइड कर देगा आपको सिंपल। ओके फ्रेंड्स, और फिफ्थ नंबर बोलता है कि एक कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज किए और अगेन आप उसका इनवर्स निकाले। ठीक है फ्रेंड्स, अगेन आप क्या किए उसका इनवर्स निकाले, तो ये सिंपल आपको देगा। आप फर्स्ट उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल लीजिए, अगेन फिर आप उसको ट्रांसपोज कर दीजिए, दोनों का रिजल्ट सेम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका प्रूफ क्या होगा। अगर कोई मैट्रिक्स, ठीक है फ्रेंड्स, इन्वर्सिबल होगा तो उस मैट्रिक्स और उसी मैट्रिक्स का यूनिट मैट्रिक्स क्या होगा फ्रेंड्स, उसी मैट्रिक्स का इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा, यूनिट मैट्रिक्स देगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसका देख सकते हैं फ्रेंड कि कैसे ये होता है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि एक कोई मैट्रिक्स है उसी का इन्वर्स मैट्रिक्स निकालते हैं तो यूनिट मैट्रिक्स आता है। इसी को मैं थोड़ा सा ड्राइव करता हूँ। अब क्या करते हैं, हम दोनों साइड ट्रांसपोज लेते हैं फ्रेंड्स, इधर भी ट्रांसपोज लिए और इधर भी ट्रांसपोज लिए। अब आपको पता होगा, क्या पता है कि दो मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करते हैं तो क्या प्रॉपर्टी होता है। अब थोड़ा इसका बताएं, थोड़ा यहाँ पे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। तो अब क्या होता है, जब दो को करते हैं तो ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, जो सेकंड रहता है वो फर्स्ट हो जाता है, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, अगेन इनटू इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कीजिए, और फिर यूनिट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या देता है आपको, यूनिट मैट्रिक्स ही प्रोवाइड करता है। तो अगेन अभी मैं आपको दिखाया हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इस मैट्रिक्स यूनिट अति इन्वर्स मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और इसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का प्रोडक्ट दोनों क्या हो गया, यूनिट मैट्रिक्स आ गया। तो एक इक्वेशन इसको मान लें, फिर सेकंड आपका क्या होता है फ्रेंड्स, कोई यूनिट मैट्रिक्स का इन्वर्स हो, कोई मैट्रिक्स हो उसका इन्वर्स हो, उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन फिर क्या आएगा, यूनिट मैट्रिक्स आएगा। अगेन फिर हम क्या करते हैं, दोनों साइड ट्रांसपोज कर देते हैं, ए इन्वर्स मैट्रिक्स ए और इसका ट्रांसपोज दोनों साइड ले लेते हैं, अगेन ट्रांसपोज कर दिए। अब ये क्या होगा फ्रेंड्स, ए ट्रांसपोज ए इन्वर्स का ट्रांसपोज, क्योंकि ये क्या होता है, दो को प्रोडक्ट करते हैं तो पोजीशन चेंज हो जाता है। थोड़ा ध्यान देंगे इस पे ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी, आपको मैं बता चुका हूँ ट्रांसपोज का, इफ अगर आप नहीं देखे हैं तो यू कैन फर्स्ट वॉच इट अगेन कम हियर। ओके, तो अब ये यूनिट मैट्रिक्स अगेन आया, फिर अगेन हो गया, तो आप देख सकते हैं कि दोनों क्या हो रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स के बराबर हो रहा है। इसका मतलब ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इन्वर्स किए तो ये इसका, या तो ए मैट्रिक्स का इन्वर्स फर्स्ट निकाल लीजिए फिर ट्रांसपोज कीजिए, दोनों इक्वल होगा, क्योंकि ऐसा करने पे यूनिट मैट्रिक्स दोनों हो रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन वन और टू से हम बोल सकते हैं कि दिस इज प्रूफ, यही इसका प्रूफ है फ्रेंड्स। ठीक है, प्रूफ हो गया कि एक अगर इन्वर्स मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज और फिर उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल है यूनिट मैट्रिक्स के, या उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फिर उसी मैट्रिक्स का इन्वर्स का ट्रांसपोज वो भी यूनिट मैट्रिक्स के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, इन्वर्सिबल है। तो सिक्स्थ नंबर प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स कि अगर कोई मैट्रिक्स हो उसमें कोई कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई किया हो और उसका इन्वर्स निकाला जाए तो ये इक्वल होता है उस कॉन्स्टेंट में पावर वन कर दीजिए, इन्वर्स कर दीजिए और उस इन्वर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपली। तो अगर ये भी अगर इसका प्रूफ चाहिए, देखिए फ्रेंड ये सब आपको प्रूफ आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो क्वेश्चन आप डील नहीं कर पाएंगे जेई मैन या आईटी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बेस्ड ही वो सब क्वेश्चन रहता है, क्योंकि मैं इसके अर्लियर वीडियो जो मैं फर्स्ट डाला हूँ 7 नंबर या 6 नंबर होगा उसमें भी मैं प्रॉपर्टी ही बताया हूँ डिटरमिनेंट का, और उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, अगर ये दोनों इन्वर्टिबल है तो क्या होना चाहिए फ्रेंड्स कि ये मैट्रिक्स और इसी मैट्रिक्स का इन्वर्स, मतलब ये बताएं कि ए इन्वर्स अगर मान लिया जाए, ए इन्वर्स बराबर अगर कोई मैट्रिक्स ए है, इसका मतलब क्या है कि ए और ए इन्वर्स जो है इसका क्या होना चाहिए, यूनिट मैट्रिक्स के बराबर। तो मैं यहीं पर यही सिंपल यहाँ मैं यूज कर रहा हूँ कि अगर के इन्वर्स इसका, अगर ये इन्वर्स है तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये यूनिट मैट्रिक्स आनी चाहिए आपको। तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ के इन्वर्स ए इन्वर्स। ओके, के यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे आप थोड़ा सा, यहाँ पे ये कोई मैट्रिक्स नहीं है, मल्टीप्लाई कर दिए तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं एक साथ के माइनस वन। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये अब चेंज नहीं करना है पोजिशन इसका, ए इन्वर्स
अब यू कैन सी हियर, दिस इज सिंपली वन हो जाएगा, क्योंकि प्लस वन माइनस वन पावर भी क्या होगा, ऐड होगा यहाँ पे, तो वन हो जाएगा। और ए और उसी मैट्रिक्स का इन्वर्स है, तो आप ये पढ़ चुके हैं, ये तो सिंपली आपका दिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया। और ये भी होना चाहिए, एक तो इधर से किए कि इसका इन्वर्स अगर ये है, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स अगर ये मैट्रिक्स है, तो इस दोनों का प्रोडक्ट ऐसे भी, और इसका पोजीशन चेंज करके भी होना चाहिए, ए इन्वर्स और अगेन के, ये भी क्या आना चाहिए, यूनिट मैट्रिक्स तभी तो हो सकता है। तो इसको भी देख सकते हैं, के इन्वर्स के पर माइनस वन, के ये कॉन्स्टेंट है, इसको भी बाहर कर लें, तो ए इन्वर्स और ए, ये भी क्या हो जाएगा वन, और आपको पता है ए इन्वर्स ए, ठीक है फ्रेंड्स, ए, तो ये क्या हो जाएगा आपका। अगेन फिर अगर कोई ए इन्वर्स मैट्रिक्स है, तो इसका या तो पोजीशन चेंज करके प्रोडक्ट करें इन्वर्स का, तो भी यूनिट आना चाहिए, या ऐसे करें तो भी यूनिट मैट्रिक्स आना चाहिए, और ये भी यूनिट होता है, ये मैं अर्लियर में प्रूव करके दिखा चुका हूँ। तो ये क्या हो गया, दोनों यूनिट मैट्रिक्स के बराबर, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स का इन्वर्स ये होगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रूव हुआ आपका। तो इसलिए हम कह सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कि के एक कोई कॉन्स्टेंट है, इस मैट्रिक्स में मतलब कि इसका इन्वर्स निकालेंगे तो के इन्वर्स, ए इन्वर्स हम लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखता हूँ, नेक्स्ट है फ्रेंड कि अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाए, फिर उसका इन्वर्स निकालें, तो ये पोजीशन एच लाइक दैट ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का भी क्या करते हैं, जो फर्स्ट रहता है उसको लास्ट में कर देते हैं, जो लास्ट रहता है उसको फर्स्ट कर देते हैं, मतलब पोजीशन को चेंज करते हैं, मतलब अंतिम लास्ट जो रहता है उसको फर्स्ट से लिखते हैं, फिर अगर और ज़्यादा रहता थ्री रहता तो लास्ट को लिखेंगे, फिर मिडिल को लिखेंगे, फिर फर्स्ट को लिखेंगे, तो पोजीशन क्या होता है एकदम पूरे रिवर्स कर जाता है इसका, ठीक है। तो ये होता है यहाँ भी, नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम दैट ट्रांसपोजिशन, नॉट ए इनवर्स बी इनवर्स, ओके फ्रेंड्स। तो इसका भी प्रूफ कि अगर दो मैट्रिक्स का इन्वर्स कर प्रोडक्ट करके इन्वर्स निकाले तो ये होता है, इसका मतलब इस मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स ये है, तो इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, यूनिट मैट्रिक्स, तभी तो होगा, प्रूफ इसका सेम है उसी तरह। तो यू कैन सी हियर ए बी अगेन बी इनवर्स ए इनवर्स, ओके फ्रेंड्स, दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, यूनिट मैट्रिक्स के बराबर, तो आप देख सकते हैं ए बी, ओके। तो अब देख सकते हैं इसको पोजीशन हम चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जैसे है उसी तरह लिखे रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि बी बी मैट्रिक्स आ गया, उसी का इन्वर्स, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स, तो यूनिट मैट्रिक्स लिखेंगे, और किसी भी मैट्रिक्स में यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे सेम मैट्रिक्स रहता है, तो फिर अगेन ए इन्वर्स आ गया, तो ये भी क्या हो गया, यूनिट मैट्रिक्स। तो लेफ्ट साइड से कर लिया, अब फिर मैं इसको पोजीशन चेंज करके बी इन्वर्स ए इन्वर्स और फिर ए बी से मल्टीप्लाई करें, फिर होना चाहिए ये चीज़, तो आप देख सकते हैं बी इन्वर्स ए बी, तो आप देख सकते हैं इन्वर्स ए, उसी मैट्रिक्स का इन्वर्स और उसी मैट्रिक्स से प्रोडक्ट किया, तो फिर क्या हो जाएगा उसका भी, यूनिट मैट्रिक्स, और यूनिट मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर वही मैट्रिक्स, और फिर ये मैट्रिक्स आ गया, फिर यूनिट मैट्रिक्स, तो ये प्रूव कर सकते हैं कि ए बी इन्वर्स मैट्रिक्स जो है वो बी इन्वर्स ए इन्वर्स होता है। अगर आप ये पोजीशन चेंज कर देंगे तो यू कैन ट्राई, यू डू नॉट सॉल्व दिस, ओके, यू डू नॉट प्रूव दिस यूनिट मैट्रिक्स इक्वल, ओके फ्रेंड्स। तो यू कैन ऑल्सो ट्राई एंड यू कैन गो थ्रू दिस टाइप ऑफ थिंग्स, बिकॉज इफ़ यू डू नॉट गो थ्रू लाइक दैट, यू डू नॉट अप्लाई देयर इन द एग्जाम। सो फ्रेंड्स माई सजेशन, यू कैन गो थ्रू प्रूफ ऑल्सो हियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स, एट नंबर होगा, अगर तीन मैट्रिक्सेस को, ठीक है, मल्टीप्लाई करके और फिर इन्वर्स निकालें, तो फ्रेंड्स दिस इज सिंपल, यू कैन सिंपली चेंज द पोजिशन, सी इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ओके फ्रेंड्स। तो मैं इसका प्रूफ आपको पहले बता दूँ, उसी तरह सेम प्रूफ इसका भी है, यू कैन प्रूफ दिट, ओके। नाउ मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी दिखाता हूँ आपको, अगर कोई मैट्रिक्स है उसका एम पावर करके, अब तो मान लीजिए कि ए बी सी है, उसी तरह से अब मान लीजिए कि ए मैट्रिक्स कोई है, उसका एम पावर करके एम बार उसको मल्टीप्लाई किया, ओके, और फिर अगेन उसका इन्वर्स निकाल रहा है, तो आप सिंपली कर सकते हैं उस मैट्रिक्स को ए टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, ओके, दिस इज लाइक दैट यू कैन गो ए, और फिर एम टाइम्स जाएंगे, ए अकर्स कितने बार, एम टाइम्स,
और फिर उसका इन्वर्स निकाल लें। तो आप सिंपली कर सकते हैं क्या, ए इन्वर्स पोजीशन चेंज कर रहे हैं लेकिन तो सेम मैट्रिक्स है, इसलिए पोजीशन चेंज करने फिर लगेगा आपको पोजीशन चेंज नहीं हुआ, बट मैं पोजीशन यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, आप ध्यान देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, यू कैन गो लाइक दैट, ए इन्वर्स अप टू कितना तक जाएंगे, ए एक्स एम टाइम्स। ओके फ्रेंड्स, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि ए इन्वर्स पे पावर हम एम कर देते हैं। ठीक है, ये मेरा ये इसीलिए मैं इतना किया हूँ। ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई एक मैट्रिक्स है उसका आप एम बार आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर उसका इन्वर्स निकाल लें, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि उस मैट्रिक्स का इन्वर्स ही निकाल लें फिर उसको एम बार मल्टीप्लाई कर दें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स 10 नंबर और ये लास्ट ही होगा। लेट एक कोई मैट्रिक्स है जो डायगनल मैट्रिक्स है, और डायगनल मैट्रिक्स है तो फिर क्या होगा फ्रेंड्स, उसको नोटेशन आपको बताए थे, इस तरह से भी कर सकते हैं, A11, A22, A33। मीन्स नॉन डायगनल एलिमेंट में क्या होता है कि एम और रो रो और कॉलम सेम होता है, और जितना नंबर ऑफ रो उतना कॉलम होगा, और सिंपली और जो अगर कॉलम और रो दोनों इक्वल नहीं हुआ तो उसमें क्या होता है जीरो हो जाता है, और अगर कॉलम और रो रहता है तो फिर उसका वैल्यू कुछ होता है, ठीक है, कोई कॉन्स्टेंट होगा। तो मैं ये सिंपली आपको बता चुका था, तो यू कैन गो ए एन है। ठीक है, और अगर इस डायगनल मैट्रिक्स है, डायगनल मैट्रिक्स है और इस डायगनल मैट्रिक्स का इन्वर्स आप निकालना, तो सिंपली कर सकते हैं डायगनल आप इसका क्या करें, सिर्फ चेंज कर दें, इन्वर्स कर दें इसको, ठीक है, उल्टा कर दें, A11 1/A22 1/A33 .. यू कैन गो 1/ANN, यू कैन दिस टाइप ऑफ यू कैन राइट हियर। सपोज जैसे एग्जांपल एक ले सकता हूँ, इफ एक कोई मैट्रिक्स है जो डायगनल मैट्रिक्स है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 0 0 0 5 7 0 0 और कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे नहीं होगा, फिर यहाँ पे तो जीरो ही होगा, क्योंकि मैं आपको क्या बताया कि अगर कॉलम और रो दोनों इक्वल नहीं है तो उस रो या कॉलम में जो भी एलिमेंट होगा वो जीरो होगा, और अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 3/3 मैट्रिक्स है, तो इसका अगर आप निकालना चाहें ए इन्वर्स क्या होगा, तो आप सिंपली क्या करेंगे फ्रेंड्स, सिंपली क्या करेंगे 1/3 0 0 0 1/5 0 0 0 1/7 दिस इज द इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। और एक पार्टिकुलर केस है फ्रेंड्स यूनिट मैट्रिक्स के लिए, जो मैं उसी के बाद ये इन्वर्स प्रॉपर्टी जो इन्वर्स का होगा वो इंड हो जाएगा, जैसे उसका एक पार्टिकुलर केस है। ये पार्टिकुलर केस है फ्रेंड्स, ऐसा होता नहीं है, जैसे यूनिट मैट्रिक्स का अगर आप इन्वर्स निकालेंगे तो ये भी क्या होता है यूनिट मैट्रिक्स ही आता है, ऐसा नहीं है सभी मैट्रिक्स का ऐसा होगा, बट यूनिट मैट्रिक्स का ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, कि अगर यूनिट मैट्रिक्स का इन्वर्स आप निकालेंगे तो यूनिट मैट्रिक्स ही आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन अब देखता हूँ। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है सबसे इजी, इफ तो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इफ द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए, नॉन सिंगुलर है, एक कोई मैट्रिक्स है फ्रेंड्स वो क्या है नॉन सिंगुलर है, और वो कैसा मैट्रिक है, सिमेट्रिक है, तो आपसे प्रूव करना है कि क्या ए इनवर्स इज ऑल्सो सिमेट्रिक, समझे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि नॉन सिंगुलर एक कोई मैट्रिक्स है और वो सिमेट्रिक भी है, तो आपको प्रूव करना है कि ए इनवर्स जो होगा इस जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो भी आपका सिमेट्रिक होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ट्राई क्या करना है आपको, कि ये अगर सिमेट्रिक होगा तो क्या होगा, इसका ट्रांसपोज जो होगा वो क्या होगा, ये सेम मैट्रिक्स प्रोवाइड करेगा। अगर कोई मैट्रिक्स ए जो है वो सिमेट्रिक होता है तो इसका ट्रांसपोज क्या होता है, सेम मैट्रिक्स प्रोवाइड करता है, अगर ऐसा हुआ तो ये सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होगा। तो उसी तरह से ए इनवर्स सिमेट्रिक तभी होगा जब इसका मैं ट्रांसपोज करूं, तो ये क्या होना चाहिए, सेम ए इनवर्स प्रोवाइड करेगा। तो सपोज करें कि, और अभी जस्ट आपको मैं बताया था कि ए इनवर्स को अगर ट्रांसपोज करता है, पहले इनवर्स निकाल के ट्रांसपोज करता है, तो आप यू कैन सिंपली गो फर्स्ट ट्रांसपोज देम एंड यू को फिर इनवर्स आप कर दें इसका। ठीक है, तो यही बात मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ट्रांसपोज करता हूँ और फिर इसको इन्वर्स निकालूंगा। तो अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या देगा, ये ए मैट्रिक्स ही देगा,
और फिर उसका इन्वर्स हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद भी वो सेम मैट्रिक्स आ रहा है, इट मीन्स ए इन्वर्स इज, अगर कोई ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो ए इन्वर्स भी उसका क्या होगा फ्रेंड्स, सिमेट्रिक होगा। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे टुडे मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ, फिर नेक्स्ट इसका आएगा, इस पर बेस्ट क्वेश्चन भी कराऊंगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं करूँगा, नहीं तो वीडियो क्या हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो बचा है एक प्रॉपर्टी बचा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो एडजॉइंट का प्रॉपर्टी है। तो आप नेक्स्ट क्लास में आप रेडी रहें, मैं उसको लेके आऊँगा। टेक केयर एंड स्टे होम, बाय।